शर्मा सोनील किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर की सब्जी। वीडियो पे और मैं बताती हूँ, मैंने ये तेल लिया है आधा चम्मच, तो इसमें मैं 7-8 काली मिर्च ले लूँगी, 2 लौंग, मोटी वाली इलायची, 1 दाल चीनी का टुकड़ा, ये मैंने डाल दिए। और अब इसको हल्का सा भून लेंगे। भुनने के बाद में मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है कटा हुआ, 7-8 लहसुन की कलियां हैं, और ये 1 हरी मिर्च है, और इसमें टमाटर भी साथ में डाल देंगे। और अब इसको हल्का सा भुनेंगे। इसमें मैं 1/2 कप काजू भी डाल दिया, तो ये भी साथ में भुन जाएंगे, क्योंकि अलग से भुनने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये देखो ऐसे भुननी चाहिए, बिल्कुल पक जाते हैं ये, तो उसको ठंडा करके और उसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच तेल के लिए हैं। अब और ये तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें तेज पत्ता डाल देंगे, और जो वो पेस्ट बनाया है वो पेस्ट डाल देंगे इसमें। और अब इसको भुनेंगे हम। देखिए इसमें काजू है, तो ये अभी चिपकेगा, तो इसको बीच बीच में चलाते रहिए, जिससे ये चिपके नहीं। अब इसमें मैं सूखे मसाले डाल दूंगी। सूखे मसाले जो डेली हम सब्जियों में डालते हैं वही डालना है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये नमक स्वाद अनुसार। और अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके, और फिर पेस्ट के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए हड़का हड़का किनारों में तेल दिखने लग गया है, पर और पकाएंगे इसको हड़का सा और 1 मिनट के लिए। ये देखिए अब ये ग्रेवी तेल छोड़ चुकी है, तो ये तैयार हो चुकी है। तो इसमें मलाईदार दही डाल देंगे 1 चम्मच। और मलाई वाला ये 1 चम्मच दूध का डालेंगे। ये दूध का डाल दिया मैंने मलाईदार। और अब इसको भी और 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि दूध और मलाई डाला है इसलिए। दूध मलाई डालने के बाद में आप देखना इसका कलर कितना अच्छा आएगा। मैंने इसमें थोड़ी सी आधी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया। देखिए ये पक चुका है हमारे अच्छी तरह, और खूब अच्छी तरह तेल आ चुका था। तो अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी आपको जितना डालना है उतना डाल सकते हो, पर हाँ ये थोड़ी सी पतली अच्छी नहीं लगती है पनीर की सब्ज़ी। इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन होता है तभी ये अच्छी लगती है। मैंने ना पतली किया है ना गाढ़ा किया है। और अब इसमें मैंने पनीर डाल दिया है। पनीर आप भून के भी डाल सकते हो, मैंने इसको कच्चा ही डाला है, क्योंकि हमारे ऐसे ही खाते हैं। तो ये मैंने पनीर मसाला डाल दिया, कसूरी मेथी डाल दूँगी साथ में, और ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।